हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ टच वाइब्रेशन, टच साउंड और चार्जिंग जो साउंड है, और यहाँ पे देख सकते हैं लॉक स्क्रीन साउंड, डायल पैड साउंड, इन सभी को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर यही सब बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स। और देख सकते हैं ये ऑन हो गया, नीला होते ही इसको ऑफ भी कर सकते हैं, और ये ग्रे कलर का हो गया है अब। तो चलिए अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे यहाँ तक पहुँचा और मैंने इसको कैसे इनेबल किया। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में घंटी का ऑप्शन आया तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं फटाफट से कैसे इसको चेंज करेंगे, मतलब इनेबल डिसेबल करेंगे। तो इसके लिए आपको डायल पैड पर जाना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं डायल पैड जहाँ से आप डायल करते हो, उसके बाद इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखे साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डायल पैड वाला सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप इस फीचर्स का इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से अलार्म रिंगटोन चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप नोटिफिकेशन और रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फ़ोन रिंगटोन, इस पर क्लिक करेंगे। सेम इसी तरीके से होता है, आपको जो भी पसंद आए उसको सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। और गैलरी से साउंड रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, और आपका यहाँ से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा है, अदरवाइज़ इस पर क्लिक करते ही हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक किया और यहाँ पर अगर मेरा होता तो ज़रूर शो हो जाता, म्यूज़िक नहीं है इस वजह से, ठीक है। और ओके पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर।